गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने जो फोटो को जो स्काई कैसे रिप्लेस कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से एंड साथ ही साथ अपने फोटो के ऊपर एक बेस्ट नेचुरल कलर टोन इफेक्ट दे सकते हो जो कि बैकग्राउंड के साथ में मैच करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी बारीकी से और बहुत ही सिंपल स्टेप में सिखाया आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फोटो है जो ओपन करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर, ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पर जो स्काई की जो फोटो है ना उसको ऐड करेंगे। तो हमने इसको स्टिकर से सेव किया था, तो आप लोग स्टिकर में जाकर सर्च कर सकते हो स्काई बैकग्राउंड या फिर नॉर्मल स्काई सर्च कर सकते हो, तो आपको जो ये स्काई देखने को मिल जाएंगे या फिर आप अपने कौन सी भी चॉइस से स्काई लगा सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर से इरेज करना है इस तरीके से और बैकग्राउंड पे जो आपको रखना है मतलब स्काई रखना है जो ऊपर की तरफ, तो आपको इस तरीके से इरेज करना है। तो इन्वर्ट कर लेंगे या फिर आप लोग इन्वर्ट करके इरेज कर सकते हो, आप लोग नॉर्मल भी इरेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल इरेज कर लेता हूँ, जितना हमको एरिया रखना है और जितना हमको नहीं रखना है उतना मैं इसको इरेज करके रख लेता हूँ और बाकी का जो एरिया है ना उसको मैं फिर से कवर कर लूँगा ब्रश के मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन दिया है ब्रश का, हम लोग यहाँ पर पहले इरेज कर लेते हैं जितना भी हमारा एरिया जो भी हमको नहीं चाहिए, और यहाँ पर से जो है रिस्टोर पे क्लिक करके हम लोग जो है जितना हमको एरिया चाहिए उसको हम लोग कवर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको अपनी फोटो को अगर एडिट करना है स्काई रिप्लेसमेंट करना है तो आप लोग पिक्सआर्ट में आके अच्छी खासी एडिट कर सकते हो, मतलब स्काई रिप्लेस कर सकते हो एक क्लिक के अंदर, बट आपको उसमें जो है थोड़ी क्वालिटी लॉस हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी फोटो की तो अच्छी इमेज आपको देखने को मिलेगी, वरना आपकी फोटो की क्वालिटी जो कम रहेगी तो और क्वालिटी कम हो सकती है, तो आप लोगों इसका ध्यान रखना है। देन यहाँ पर इतना करने के अंदर फोटो कर लेंगे सेव। देन हम लोग यहाँ पर चलेंगे ड्रॉ टूल के अंदर और ड्रॉ टूल में जाने के बाद टी डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। देन अब हम ओपन करेंगे हमारा लाइटरूम के अंदर फोटो को। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे HSL पे और यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर को कम करेंगे इस तरीके से कुछ फर्स्ट वाले को, यहाँ पर टिंट को थोड़ा सा हम लोग हल्का से यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर विब्रेंस को बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, विब्रेंस और यहाँ पर जो सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे या फिर आप लोग डिक्रीज भी कर सकते हो। देन आपको हम लोग जाएंगे HSL पे और यहाँ पर सेचुरेशन जो नीचे का जो कलर है ना ऑरेंज वाला उसको हम लोग कम कर लेंगे। ठीक है, येलो आम जो था उसको कलर हम लोग माइनस पे कर लिए, पूरा सेचुरेशन गिरा दिया उसका। देन हम लोग यहाँ पर जो सेकंड जो कलर है लुमिनस उसको हाई करना है क्योंकि वो हमारे फेस का कलर होता है, हम लोग यहाँ पर लुमिनस को हाई करेंगे थोड़ा सा सेचुरेशन गिरा देंगे कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस आपको स्टार्टिंग का जो दो कलर होता है ना आपको सेम प्रोसेस करना आपका लिप्स पे होगा या फिर आपका जो हेयर पे होगा या फिर आपका स्किन पे होगा वो कलर टोन स्टार्टिंग का दो कलर। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है ना। आपको इतना करने के बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर बैकग्राउंड में देख सकते हैं डार्क ब्लू जो कलर है आप लोग इस पर जाइएगा और यहाँ पर लुमिनस और अपने हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर से अपने हिसाब से और भी कलर उसके एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर से इतना करने के बाद हम लोग जो अपनी फोटो को जो है यहाँ पर इतना कर लेंगे, देन यहाँ पर डन कर लेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल ऑप्शन पे जाएंगे, बिफोर आफ्टर देख लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रॉल ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर से जो है आप लोग पहले सबसे पहले टेक्सचर को बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि फोटो और शार्प दिखेगी, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी को बढ़ा लेना है और यहाँ पर से DS को आप बढ़ा सकते हो और यहाँ पर थोड़ी विग्नेटी भी रख लेंगे कुछ इस तरीके से कम करके। ठीक है, ताड़ी फोटो एक मतलब एक खिल के दिखे लुक आ जाए फोटो के ऊपर। देन अब हमारा फोटो एक सीधे बन के रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।